नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का माय चैनल माय नॉलेज में और मेरा नाम है पिंटू भारद्वाज। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप एक क्रेडिट कार्ड यूजर है तो आप सभी को पता ही होगा कि क्रेडिट कार्ड से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कि अगर हम कोई भी शॉपिंग करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन कर रहे हैं चाहे वो ऑफलाइन कर रहे हैं, तो हमें उस पर कैशबैक देखने को मिलता है। साथ के साथ अगर हम पेट्रोल या डीजल अपने गाड़ी में भरवा रहे हैं तो उस पर भी हमें कैशबैक देखने को मिलता है। साथ के साथ हम जितना भी स्पेंड करते हैं उन सभी पे हमें रिवॉर्ड्स पॉइंट्स मिलते हैं, जिसको हम बाद में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं या गिफ्ट वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ के साथ कई ऐसे क्रेडिट कार्ड भी हैं जो कि अपने यूजर को हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करते हैं। और साथ के साथ क्रेडिट कार्ड की सबसे बेस्ट बात यह है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ईएमआई पे परचेस करना चाहते हैं तो आप नो कॉस्ट ईएमआई पे परचेस कर सकते हैं, यानी कि आपको कोई भी डाउन पेमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसको आप 0% में ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे वो आप 6 मंथ की करना चाहे, 9 मंथ की करना चाहे या 12 मंथ की करना चाहे, तो बड़े ही आसानी से आप इसको कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, जिसकी वजह से वो ये सारे बेनिफिट्स नहीं यूज कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका एक सेविंग अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है और आपके पास एचडीएफसी बैंक का एक डेबिट कार्ड है तो भी आप इन सारे बेनिफिट्स को यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके लिए जरूरी है कि आपको अपने एचडीएफसी बैंक के डेबिट कार्ड को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप अपने एचडीएफसी बैंक के डेबिट कार्ड को ऑनलाइन खुद से अपग्रेड कर सकते हैं और ये जो बेनिफिट्स है क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाले वो सारे आप अपने डेबिट कार्ड पे ले सकते हैं। तो सारा प्रोसेस आज की इस वीडियो में मैं अपने लैपटॉप के पे जाके दिखाने वाला हूं। तो चलिए हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। हेलो दोस्तों, तो ये देखिए मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूँ और अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने एचडीएफसी बैंक के डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड को अपग्रेड कर सकते हैं और आप अपने डेबिट कार्ड के हर एक ट्रांजेक्शन पे ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको एचडीएफसी के नेट बैंकिंग में लॉग इन करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। लॉग इन करने के बाद आपको टॉप पे कुछ यहाँ पे टैब्स नजर आएंगे। यहाँ पे टैब में से आपको एक ऑप्शन नजर आ जाएगा, एक टैब नजर आ जाएगा कार्ड्स का। आप सिंपली कार्ड्स पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डेबिट कार्ड्स का। उसके ठीक नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ट्रांजैक्ट का। आप क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और क्लिक करते ही ठीक नीचे आपको एक ऑप्शन नजर आने लग जाएगा डेबिट कार्ड अपग्रेड का। आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जितने भी डेबिट कार्ड आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक होंगे उसकी डिटेल आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी डेबिट कार्ड अभी आपका रिसेंटली एक्टिव है, और मेरे केस में यहाँ पे मुझे एक ही डेबिट कार्ड नजर आ रहा है तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज नजर आने लग जाएगा जहाँ पे आपको यहाँ पे सारे कार्ड्स नजर आ जाएंगे जिस कार्ड्स में आप अपने कार्ड को अपग्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कार्ड का टाइप नजर आ जाएगा और इस कार्ड को लेने का जो फीस है वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी। उसके बाद ठीक आगे अगर आप देखेंगे तो इन कार्ड्स के आपको बेनिफिट्स नजर आ जाएंगे, आप यहाँ से इनके बेनिफिट्स पढ़ सकते हैं। दोस्तों फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे फर्स्ट वाले डेबिट कार्ड को देखते हैं तो इस डेबिट कार्ड का जो नाम है वो है प्लेटिनम डेबिट कार्ड, जिसकी फीस है 750 रुपीज और इसका जो बेनिफिट है वो आपको आगे दिया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि आपको 1 रुपया कैशबैक मिलेगा हर 100 रुपए के ट्रांजेक्शन पे अगर आप किसी भी आउटलेट पे करते हैं या ऑनलाइन करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस कवर भी दिया जा रहा है जो कि 10 लाख तक है। तो दोस्तों अगर आपको ये बेनिफिट पसंद है और आपको ये फीस भी पसंद आ रही है तो आप इस कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी को एक चीज में बता देना चाहता हूं कि यहां पे आपको जो एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस कवर जो 10 लाख तक का दिया जा रहा है वो जब आप कार्ड को अप्लाई कर देंगे, जब आपको कार्ड मिल जाएगा तो इसको अप्लाई करना पड़ेगा और अप्लाई करने के लिए आपको अपने होम ब्रांच में जाना पड़ेगा, यानी कि एचडीएफसी के होम ब्रांच में जाना पड़ेगा जिस होम ब्रांच में आपका ये अकाउंट ओपन हुआ था, जिसमें आपका ये अकाउंट है, और वहां पे आपको ये एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस कवर अप्लाई करना पड़ेगा तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो सपोज करिए कि मुझे यही वाला जो कार्ड है डेबिट कार्ड है वो चाहिए, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट टाइप के ठीक नीचे आपको रेडियो बटन मिलेगा, इस पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करके टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन का आपको लिंक दिया हुआ है, जिस पे क्लिक करके आप टर्म एंड कंडीशन को पढ़ भी सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक नीचे आपको कंफर्म का बटन नजर आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक करके कंफर्म कर देंगे और उसके बाद आपका जो डेबिट कार्ड है वो अपग्रेड हो जाएगा और नेक्स्ट वर्किंग 2 से 3
दिन के अंदर आपका जो अपग्रेड हुआ हुआ डेबिट कार्ड है वो आपके मेलिंग एड्रेस पे सेंड कर दिया जाएगा और आपको वो मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ लोगों का एक क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पे जो ये फीस लिखी हुई है ये ईयरली फीस है या वन टाइम फीस है। तो दोस्तों आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि ये वन टाइम फीस है, एक ही बार आपको पे करनी है। हेलो दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी वो आपके लिए यूजफुल रही होगी। और दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और यूजफुल वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।